जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलें। ललन सिंह के इस्तीफे के बाद खुद पार्टी की कमान संभाल सकते हैं नीतीश कुमार। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान तैयार। 5 जनवरी से पहले सभी मोर्चों के प्रदेश स्तर की होगी बैठक। केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचेगी पार्टी। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद एक्शन मोड में बीजेपी। 31 दिसंबर से पहले पीएम मोदी प्रदेश पदाधिकारियों और जिला स्तर के पदाधिकारियों को देंगे जीत का मंत्र। भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने की शिरकत। गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों की शहादत को याद किया। वीर बाल दिवस के अवसर पर पीएम मोदी बोले, कहा आज देश गुलामी की मानसिकता से बाहर आ रहा है। पूरी दुनिया भारत को अवसर की भूमि के रूप में देख रही है। 24 लोकसभा चुनाव से पहले एबीपी न्यूज से वोटर का सबसे सॉलिड ओपिनियन पोल। सर्वे में तीसरी बार मोदी सरकार का अनुमान। एनडीए को 295 से 335 सीट और इंडिया गठबंधन को 165 से 205 सीट मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल के आंकड़ों पर बीजेपी सांसद संतोष गंगवार ने कहा, देश को मोदी जी पर भरोसा। सर्वे के आंकड़े से भी ज्यादा आएंगी सीटें। ओपिनियन पोल के आंकड़ों में इंडिया गठबंधन एनडीए से काफी पीछे। आंकड़ों पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कहा ये ओपिनियन है पोल नहीं, मेरा इस पर यकीन नहीं। ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपी में एनडीए को बंपर बढ़त। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 73 से 75 सीट, कांग्रेस और एसपी को 4 से 6 सीट, साथ ही बीएसपी को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान। सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी की एक तरफा जीत का अनुमान। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, उम्मीद है अब बीएसपी नए सिरे से सोचेगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश केशव प्रसाद मौर्य का दावा, यूपी की सभी सीटों पर होगा बीजेपी का कब्जा, नहीं टिक पाएगा घमंडिया गठबंधन। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।